दोस्तों जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले इंटरलॉकिंग के बारे में। तो दोस्तों हमने कंट्रोलर बनाया जो कि हमारा इंटरलॉकिंग का ही है। तो इंटरलॉकिंग का यूज हम जा करके दो जगह यूज करते हैं, तो हमारा डेल्टा स्टार्टर हो गया और साथ में हमारा फॉरवर्ड हो गया। तो इस जगह पे हम इंटरलॉकिंग यूज करते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है हमें कि हमें एक टाइम पे एक ही कॉन्ट्रेक्टर ऑन होना चाहिए ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो सके, इसलिए हम इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं। तो जैसे मान लो जैसे हमने कॉन्ट्रेक्टर को ऑन किया तो हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया, लेकिन ये हमारा बंद है, ये हमारा बंद है। तो जब तक उसको दबाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं होगा, जब तक हमारा कॉन्ट्रेक्टर ये वाला बंद नहीं होगा तब तक हमारा ऑन नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको कॉन्ट्रेक्टर को स्टॉप करेंगे तो हमारा स्टॉप हो गया, फिर जैसे उसको स्टार्ट करेंगे हमारा ये ऑन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इसको चालू करना चाहेंगे तो ये हमारा चालू नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर इंटरलॉकिंग किया है। तो इंटरलॉकिंग से हमने क्या किया, जैसे हम जीरो स्टेट का वायरिंग करते हैं उसे वायरिंग किया, बस खाली जो हमारा एनओ से आउटपुट निकल के हमने क्या कॉन्ट्रेक्टर के एनसी में डाल दिया। इस कॉन्ट्रेक्टर के एनसी से लेते सीधे हमने कॉन्ट्रेक्टर के पहले ए टू में डाल दिया, तो ये हमारा इसकी एनसी होते हुए हमारा इसमें आ गया। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो पार्सल हमारा यहाँ से होते हुए हमारे कॉन्ट्रेक्टर में आ जाएगा और ये हमारा ऑन हो जाएगा। और जबकि हमारा इसको ऑन करने के लिए हमने सेम इसी करके किया, जो इसका एनओ का पुट बटन से वायर लिया हमने इसके एनसी में डाला, तो जब कॉन्ट्रेक्टर हमारा ये ऑन रहेगा तो जो हमारा एनसी एनओ हो जाएगा तो हमारा ये ऑन नहीं होगा। फिर जैसे हम इसको स्टॉप करेंगे जो हमारा एनसी था, जो हमारा एनओ हुआ था हमारा एनसी हो जाएगा, फिर हमारा कॉन्ट्रेक्टर चालू हो जाएगा।